शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पंडित जी आप कितने मंत्र पढ़ेंगे? 500 रुपए दिए थे ना आपको। ठीक है ले जी, मंगलसूत्र पहनाओ, ले बेटा जल्दी पहना, जल्दी पहना जल्दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो दत्त जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनु। चल जा मेरे शेर, जंगल में मंगल करके आ जा। यार इससे पहले मैंने कभी you know what I mean, तो क्या हुआ यार, इससे पहले उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी, लेकिन ठीक है ना। देख साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। हाँ, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक का मान है। हाँ। खैद मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुहागरात मनाने आया था। ऐसी सुहागरात मनाएंगे कि जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। करते रहो और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है, कल भी तुम जल्दी थक गए थे। कम ऑन दम लगा। ओ माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। कर रहा हूँ दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया, तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे के नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं टूटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा डेढ़ पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेढ़ पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। हाँ। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ। हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी मम्मी मम्मी, मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब पर्ची, 20 रुपये ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए और वापस आने के लिए। हाँ, और कॉफी। शट अप। लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है। हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है। लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है। कंबख्त जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता है यार, यानी कि तू उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुन, पता है आज रात गीता और मैंने तुम साथ में देखने का प्लान बनाया है। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई नई चीजों की गोज एक्सपेरिमेंट से तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे।
घर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं, पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। लेने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दूं? क्या मेरा गला? अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख रख कर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अंबे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले एक महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण? यानी कि एक महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण बनकर नाचेगा? अच्छा बताओ आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। राबो बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है देखो ना। रामू तू कुछ भी कर उस सक्सेना को भगा यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है और मुझे डेड ही रहना है। अरे सर दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड? तू मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। उस सक्सेना को बता कि मैं बीमार पड़ गया और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन सर आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Come on, go fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो यस डार्लिंग बोलो। नहीं आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास, तो कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ तुम खाना खा लेना। नहीं मैं खाना खा के आऊंगा, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय डार्लिंग, लव यू वाइफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मानता आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई? अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए वरना वो सर का दर्द बन जाती है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके 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 गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट बी नॉटी नॉटी विदाउट मी। ओके ओके। यू नो अमर जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में रहता था, लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसर के लिए एक नस रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ। लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। ओह भाई एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू बाय।